इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे बार हर बार क्वेश्चन आते हैं व्यूअर्स के कि फीड क्या है, कि डेयरी फार्म में सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है वो आती है फीडिंग की। दाना कौन सा खिलाएं, क्या चारा खिलाएं, किसान भाइयों को सही चारा मिल नहीं पाता। पर गुरु अपने सामने बैठे हैं तो गुरु के पास हर तोड़ है हर चीज़ का, तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये फीडिंग के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सर, इस वीडियो में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि अपन डिवाइड करते हैं गायों को चार कैटेगरीज के अंदर। पहली हो गई जो मिल्किंग गाय दे रही है, फिर हो गई जो ड्राई पीरियड में है और जो बछड़े को जन्म देने वाली है, और फिर चौथा हो गया छोटे बच्चे। चार कैटेगरी वाइज में अपन उसको डिवाइड करके फिर आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि जो गायें दूध दे रही है उनको आप क्या दाना खिलाते हो, क्या आपका फॉर्मूला रहता है। थोड़ा सा मैन्युअली करके आप, मतलब ऐसे फिजिकली मुंह से बोल के आप बता सकते हो व्यूवर्स को, थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए जिनसे उनको आइडिया लग सके कि कैसे प्रोसेस करते हैं सर। उसमें मिल्किंग वाली जो गाय है ना, हाँ, उसमें तीन चीज़ आपको करनी है। पहले तो एनर्जी कितना देते हो, हाँ, प्रोटीन कितना जाता है जी, और फाइबर कितना जाता है जी, और फैट ऑयल जो है ना, हाँ, वो कितना डालते हो, कितना मिल्क गाय आपके वहाँ निकाल रही है। अब एक हिसाब में आपको बताऊं कि 500 केजी की गाय मेरे पास है, हाँ, और 40 लीटर मिल्क है उसका, हाँ, तो 500 केजी उसका बॉडी वेट के हिसाब से कितना चाहिए, गुणा, हाँ, दो कर दो आप, हाँ, तो 10 केजी ड्राई मैटर उसको चाहिए 10, और दूध आता है 40 लीटर, हाँ, तो 40 बाई डिवाइड 1/3 उसका गिन दो आप, हाँ, 40 लीटर आता है 13 केजी हो गया, हाँ, यानी जो गाय 40 लीटर दूध निकालती है, हाँ, और 500 केजी उसका बॉडी वेट है, उसको 23 किलो ड्राई मैटर चाहिए। 23 किलो ड्राई मैटर आप शेड करो, उसमें प्रोटीन जो है, अभी भी यही है गाय, तो प्रोटीन के ज्यादा प्रोटीन आप बढ़ाओगे ना तो उसमें क्या है, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आएगी, तो उसको प्रोटीन का लेवल मात्रा कितनी रखनी है वो आपके न्यूट्रिशन को आप पूछो और उसके हिसाब से चलो। अब मेरे वहाँ जो गाय पी आती है उसको मैं 23% से 25% तक प्रोटीन देता हूँ, कई कई बार प्रोटीन थोड़ा कम भी करता हूँ, और एनर्जी जो जाता है वो 3000 केजी के आसपास जाता है एनर्जी, और फाइबर जो है वो 10-11 के आसपास, और दाना मैं खुद का बनाता हूँ, उसमें 100 केजी तो दाना बनाते हैं, उसमें 45 केजी मक्का डालता हूँ। जो मक्का है ना वो बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको ग्राइंडर करो तब बिल्कुल बारीक भी नहीं और बड़ा भी नहीं, 1 mm का टुकड़ा आप करो, ऐसा मक्का पिसा हुआ मक्का ले लो 45 केजी, उसके अंदर 23 केजी आप सोया DOC डाल दो और 10 केजी उसमें मस्टर्ड DOC डालो। फिर ऑयल की जो बात आती है ना, ऑयल के लिए आप 7 केजी कॉटन शीट ले लो और 5 से 10 केजी तक आप कॉटन केक ले लो या मस्टर्ड केक आपके वहाँ मिलता हो तो वो ले लो, वो डालो। फिर उसके अंदर 1% सॉल्ट डालो, 0.5% उसके अंदर SPC सोडा बाइकार्बोनेट डाल दो, उसके अंदर बफर डाल दो। फिर उसके अंदर फैट जो आता है, फैट बाईपास फैट जो आता है वो आप 1 से 2 केजी तक डाल सकते हो गाय के अंदर, तो वो आप डालो, ऐसे सब मिक्स कर दो और मिक्सर करके फिर 100 केजी दाना बना के आप गाय को खिलाओ। और 1 केजी मिल्क जब आता है तो मैं अभी खिला रहा हूँ 350 ग्राम और 1 किलो एक्स्ट्रा देता हूँ, यानी मेरे फार्म पे जो गाय 30 लीटर दूध निकालती है पूरे दिन का 8 केजी में दाना डालता हूँ, और बाकी का जो ड्राई मैटर है वो साइलेज और हरा चारा अल्फा अल्फा है ना वो सेट करके डालते हैं। सर, नेपियर डालते 1 से 2 केजी। नेपियर और अल्फा अल्फा में क्या है, कुछ लोग नेपियर को मानते हैं कुछ अल्फा अल्फा को मानते हैं। नेपियर में प्रोटीन जो होता है वो 8 से 9% होता है, कोई भी नेपियर हो, और अल्फा अल्फा में 18 से 20% सोल्यूबल प्रोटीन होता है, और दूसरा आता है राई ग्रास जिसके अंदर भी 18 से 20% प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन है। तो ये तो रहेगा आप मिल्किंग वाली गायों के लिए, जो ड्राई पीरियड में है जो गायें हैं उनको क्या प्रोसेस आपका रहता है सर? उसको 18% के करीब करीब प्रोटीन देते हैं, 18% और हर रोज 3 केजी, हाँ, प्रोटीन आपको शेड करना है बस, ये दाना बन गया उसमें प्रोटीन आप शेड करो, कितना प्रोटीन कितना एनर्जी दाना चाहिए उसके हिसाब से तय करो। अब जो हीपर है जो बच्ची छोटी है उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए प्रोटीन आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो उसमें 30% के करीब करीब प्रोटीन तक ले जाओ 3 महीने के बाद बच्ची को, आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन बढ़ाते जाओ। प्रोटीन में क्या इस्तेमाल करते हो एनर्जी लेवल में देने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? प्रोटीन में आता है एक तो मस्टर्ड DOC आता है, रेपसीड आता है, सोया DOC आता है, वही डालते हैं, वही डालते हैं, सबसे बेस्ट सोया DOC है। इसमें दाने का हरे चारे का कितना परसेंट रहना चाहिए और इसका? हरा बहुत कम देना है बच्चियों को, हीपर को कम देना है, हीपर को कम देना, 5 केजी आप दे दो हरा चारा, साइलेंट 5 केजी तक डालो, 5 केजी थोड़ी थोड़ा डालो और फीड डाल दो। और जो फर्स्ट लैक्टेशन में है गए हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस रहता है या कुछ अलग करते हैं उनके लिए? नहीं, उसमें थोड़ा प्रोटीन और एनर्जी बढ़ाते हैं जैसे जैसे नजदीक आती है, हाँ, और छेले लास्ट जो 1 महीना होता है ना, हाँ, उसमें ट्रांजिशन पीरियड देना शुरू करते हैं, हाँ, उसमें क्या होता है ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है?
वो खुद दाना बनाते हैं, खुद दाना बनाते हैं, उसमें वो करते हैं 25% प्रोटीन जाता है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा भी है कि उस जो बच्ची जन्म देने वाली होती है उस टाइम उसको नमक और बंद नमक नहीं डालता, नमक नहीं डालता। नमक से क्या होता है सर? जो थने वो थन जो है ना बड़ा हो जाए, पानी अंदर भर जाएगा पूरा, तो थन हार्ड हो जाएगा। और आखिर में छोटा सा मेरा एक सवाल है, जो बछड़े जन्म देते हैं उनको कितने महीने तक दूध पिलाना चाहिए और फिर उनको कैसे साइड से अपन उनको चारे पे लेके आ सकते हैं, वो प्रोसेस बताइए थोड़ा सा। बच्चा जो बछड़ी छोटी होती है ना उसको आप उसका वजन के हिसाब से 10% तक दूध पिलाओ, एक महीने तक उसी प्रोसेस में आप चलो, फिर थोड़ा थोड़ा दूध बढ़ाते जाओ। यानी मेरे वहाँ जो बच्चियाँ हैं वो पहले महीने में 6 लीटर दूध पीती है, पहले महीने, दूसरे महीने में उनको 4 लीटर तक ले जाता हूँ, फिर दूसरा महीना जब खत्म होता है और दाना तो हर रोज रखना है, कास्ट स्टार्टर और पानी रखो, उसको खाने दो जितना खाना है। जब वो बच्ची 500-600 ग्राम फीड खाने लगती है पूरे दिन का, उस टाइम धीरे धीरे दूध कम करना है, एकदम बंद नहीं करना है, और फ्रेश में आ जाएगी। धीरे धीरे दूध बंद करो, अपने आप दाना ज़्यादा खाने लगेगी, जैसे 500 करो फिर 200 ग्राम करो, आहिस्ता करके बंद करो। वो बंद करने में आपको 15 दिन लेने हैं, 15 दिन का टाइम, तो वो फ्रेश में नहीं आएगी बच्ची और बॉडी वेट भी नहीं छोड़ेगी। यहाँ आपका रेशियो जानने की कोशिश करूँगा, बछड़ों का और बछड़ियाँ कितना, मतलब कितना रेशियो है, कितना लगभग हर गाय बछड़ियों को जन्म देती है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, 50% 50-50 वो कुछ एक प्रोसेस रहता ना सर, वो क्या एआई पे डिपेंड करता है क्या, सीमेंस पे भी होता ना, जिससे क्या 100% आपको सेक्स सीमेंस आता है, उससे नहीं करते हैं, वो गायों के लिए हानिकारक भी हो सकता है थोड़ा उसका भी। चलो ठीक है सर, आपने तहे दिल से आपने अपने दिल से जो जानकारी शेयर की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सामने किसान भाई देख रहे हैं उनको आपकी जानकारी काम आएगी, और वो जो भी अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं या जो युवा है जो आज के टाइम कुछ न्यू जनरेशन है कुछ करने की ललक रखती है, वो आपको देखेंगे, आपको आपने जो टिप्स बताए हैं उनको काम लेने की कोशिश करेंगे और भविष्य में अपनी ऊँचाइयाँ छूने की कोशिश करेंगे और छुएंगे। तो सर आपका एक बार फिर धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।